हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निभिक। फ्रेंड, मैं फिर से एक बार सामने आ गया हूँ आपके। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ी अपडेट लेट मिला आ रहा हूँ क्योंकि मैं इधर कुछ बिज़ी था दूसरे, मतलब न्यूज़ में या अपडेट में, जैसे कि UP SSC, जूनियर स्टेंट एंड LIC, दोनों में मैं बिज़ी था ज़्यादा। ये दोनों कैंडिडेट्स ज़्यादा परेशान थे इसलिए मैं उसमें बिज़ी था, इसलिए मैं अपडेट थोड़ा लेट लाया हूँ। जो कि ये नोटिस परसों का आया हुआ है एडमिट कार्ड का। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ASC RO CO एडमिट कार्ड का, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर का एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका नोटिस परसों आया है और एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि मतलब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और मात्र 20 दिन में इसकी तैयारी कैसे करें। जी हाँ, रणनीति बताएंगे पूरा फ्रेंड्स कि कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं जो हम बात करना चाह रहे थे। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट अलाहाबाद नोटिस, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 RO 2019, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 CA 2019। मैं CEO लिख दिया गलती से, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, द ई एडमिट कार्ड्स फॉर द स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, एडवर्टीजमेंट नंबर 02 RO 2019, डेटेड 26 सितंबर 2019, एंड स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो बोल दिया हूँ। हाँ ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, एडवर्टीजमेंट नंबर 03 CA 2019, डेटेड 26 सितंबर 2019, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2020, आर नाउ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये मतलब कि 12 जनवरी को ये क्या है, मतलब शेड्यूल है दोनों एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग एडमिट कार्ड तो अब तक डाउनलोड कर ही लिए होंगे क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ ऑलरेडी नोटिस देने में। मैं तो बहुत पहले भी आप लोग को बताया था कि 12 जनवरी को एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। जो लोग अगर पहले से मेरे से जुड़े होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे, उनको मालूम होगा मैं 12 जनवरी एक्सपेक्ट किया था बहुत पहले ही, जो कि सही बात निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या लिखा है आगे। लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड्स फॉर रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 इज दिस। लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 इज दिस। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न का। ठीक है, यानी क्वेश्चन, अभी मैं RO का बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर असिस्टेंट कैंडिडेट काफ़ी कम है इसलिए मैं उसका पैटर्न नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ RO का बात कर रहा हूँ। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न फ्रेंड्स आपके सामने है, देख रहे हैं, जनरल स्टडीज़ यानी GK GA जो भी कह ले इसको, GS जो भी कर ले, यानी जो सामान्य अध्ययन होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स और बहुत कुछ आ जाते हैं, मिसलेनियस आ जाते हैं। तो ये आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट हो गया फ्रेंड्स। ये 50 क्वेश्चन का होगा, टोटल एग्ज़ाम आपका 200 क्वेश्चन का होगा, जिसका 2.5 घंटे टाइम होगा यानी 150 मिनट टाइम होगा। ये ऑफलाइन पेपर है यानी पेन पेपर, यानी कि पेन पेपर मोड में होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ से हैं, फिर 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं रहेंगे। 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी से है, 25 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई लेवल कंप्यूटर हो जाएगा, कुछ लैंग्वेज का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल होता है एकदम, जैसे DCA SSC वगैरह होता है उससे रिलेटेड रहेगा ये। फिर जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, ये भी बहुत नॉर्मल रहेंगे। और फिर मैथ्स इंजीनियरिंग दोनों मिला के एक ही में 50 क्वेश्चन का होता है फ्रेंड्स। इसका 25 25 नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही में रहता है। ठीक है, तो टोटल आपका जो है 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आइज में, हाँ फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम है, आप पूरा फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पोस्ट काफ़ी कम है तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस है, अब इसमें बता दे रहा हूँ। अब पेपर भी ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, लो लेवल का ही रहेगा, तो कट ऑफ तो अधिक जाने ही जाने हैं। मान के चलिए अगर 200 नंबर का पेपर है तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा, तो 160 65 जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा कैसा भी लेवल हो पेपर का। ठीक है, अगर इजी पेपर हो गया तो 180 तक कट ऑफ जा सकता है, मैं पहले ही इतना एक्सपेक्ट कर देता हूँ, बाकी तो पेपर देखने के बाद ही बता पाऊँगा कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैसे हम इसका प्रिपरेशन करें, क्या रणनीति बनाएं कि 20 दिन में हम इसे क्लियर कर सकें। ठीक है, तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होगा कि पेपर का लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था दो डेट में। ठीक है, डेट मुझे सही से याद नहीं है, 16 और 17 में मतलब मिला के हुए थे शायद, 16 में दिसंबर में, फिर 17 में जनवरी में करके हुआ था कुछ। ठीक है, तो दो पेपर आप अगर अच्छे से देख लेते हैं पिछला पेपर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, किस लेवल का पेपर आता है। ये पेपर देखने के बाद फ्रेंड्स, इसे आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से भी, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर इसके अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, और इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ बुक आपको प्रेफर करना होगा, जैसे आप लोगों को मन में रहता है कौन सा बुक ले, तो आप क्या करिए, सबसे पहले अगर इसको आप गूगल भी नहीं कर पा रहे, यूट्यूब से भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप घटनाचक्र का प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लीजिए, जिसमें आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी सॉल्व पेपर खरीद लीजिए, उसके साथ साथ उसमें प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिससे आपका आइडिया लग जाएगा कि क्या है कैसे है। अब तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का टाइम रह नहीं गया है कि मैं बताऊँ सब्जेक्ट वाइज कोई बुक, तो आप यही अधिक से अधिक करें कि प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाएं। घटनाचक्र का ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट, और फिर इसका यूथ का भी ले सकते हैं, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम जानते हैं यूपी में ज़्यादा फेमस है यही दोनों,
बाकी तो फेमस नहीं है यूपी के एग्जाम्स के लिए, तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, ये दो ले सकते हैं। और बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप घटना चक्र का एक दृष्टि आया मार्केट में, ये भी ले सकते हैं, जो UPSC के लिए स्पेशली आया हुआ था, तीन बुक एक साथ कंबाइंड रह रहा है, वो ले सकते हैं। और अगर ये नहीं लेना चाहते हैं, इससे कम लेना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य का ले सकते हैं, लक्ष्य 4 आ गया है मार्केट में, ठीक है, दोनों 25 नंबर के आसपास दोनों मार्केट में आ गए, दोनों UPSC के लिए स्पेशली थे। तो इसका भी लेवल लगभग फ्रेंड्स वही, उससे थोड़ा सा लो है, लेकिन पोस्ट काफ़ी कम है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो मैं कहूँगा करंट अफेयर्स के लिए दोनों बुक या दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के बाद। सब्जेक्ट वाइज बुक मैं नहीं प्रीफर करूँगा, पढ़ने के लिए कहूँगा कि सब्जेक्ट वाइज आप बुक पढ़े तो ये जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस आप लोग यही प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं और करंट अफेयर्स को एक बुक ले लें, ठीक है, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, 200 में 180+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं, अगर जितना बुक मैं बताया हूँ, जो तरीका बताया, अगर आप इसे आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बस इतना ही था, थैंक यू।